हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रमन और आप देख रहे हैं टेक अप कॉम। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है और काफ़ी मददगार भी साबित होगा। कह सकता हूं कि मेरे लिए तो काफ़ी यूजफुल हुआ है और काफ़ी मेरे लिए काफ़ी इसने मदद भी की है। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके जरिए आपको इंटरनेट में काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके द्वारा आप किसी भी साइट को अगर सर्च करते हैं तो उस साइट का जो पेज है उसे सेव करा सकते हैं, और सेव कराने के बाद आप उसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं। सपोज दैट आप कहीं भी किसी भी वक्त अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी कंटेंट को, और सर्च करते करते आपने कई सारी फाइलें या कई सारी साइट्स ओपन कर ली हैं, 100 से 200 मान लो ओपन कर ली हैं, और इसके बाद आप भूल जाते हैं कि कौन सी साइट्स है आपकी, तो आप इस ट्रिक के जरिए, इस कंटेंट के जरिए आप उसे सेव करा लीजिए, और सेव करा के उसे कहीं भी, फिर कहीं भी किसी भी वक्त उसे बड़ी आसानी से ओपन करके उसे देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर जहाँ भी आप उस फाइल को सर्च कर रहे हैं या फिर कह सकता हूँ किसी साइट को सर्च कर रहे हैं, तो उसे वहाँ पर आपके कंप्यूटर पर मोजिला फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउज़र है, उसे जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं मैं आपको पर्टिकुलर एक एक स्टेप के बारे में बताता जाऊँगा। सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स को आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। गूगल आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, आपको गूगल पर टाइप करना है पॉकेट, POCKET, या ये भी टाइप कर सकते हैं पॉकेट, एडवाइस एंटर प्रेस करके अंदर भी जा सकते हैं, या फिर सर्च बार पर आपको लास्ट पे 3 डॉट्स मिलेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव पेज टू पॉकेट, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है या फिर पॉकेट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेव पेज टू पॉकेट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो लॉगिन करें, लॉगिन कर सकते हैं पहले, मतलब मेरा कहने का है अगर आपने साइन अप कर रखा है तो पहले से लॉगिन कर लीजिएगा, अगर साइन अप नहीं है तो मैं साइन अप करना ही बता देता हूँ आपको। राइट नाउ पर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा आपके सामने। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं या उसका डेमो वगैरह लेना चाहते हैं तो आप डेमो यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से आप उसे डेमो लेने के बाद उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर सबसे ऑप्शन आ जाएगा यू आर यूजिंग पॉकेट विदाउट एन अकाउंट, आप उसे साइन अप कराना चाहते हैं तो यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप पर जाइएगा और ईमेल डालिएगा, ईमेल डालने के बाद अपना एक पासवर्ड डालिएगा और उसे साइन अप विद ईमेल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले से मेरा साइन अप है तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट बगल में एक लॉगिन का ऑप्शन है तो मैं इसे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर आपको क्या करना है, जो साइन अप में आपने ईमेल डाली है उस ईमेल को डालना है, जैसे कि मैंने ये ईमेल जो मेरी है अभी सेव है इसमें, तो इसको डाल देता हूँ मैं, और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं जो भी मेरा ईमेल का है। ध्यान रहे दोस्तों, जो ईमेल का पासवर्ड है वही पासवर्ड डालिएगा क्योंकि वही पर्टिकुलर उसी पासवर्ड को लेता है। इसको यहाँ से डोंट सेव मैं करा देता हूँ। अब चलता हूँ कि गूगल पर, और कुछ भी यहाँ से सपोज दैट सर्च कराता हूँ, जैसे कि मैं अपना चैनल ही सर्च करा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मेरा जो पहला है मेरी साइट techopcom के नाम से है, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। जब आपका पर्टिकुलर कोई जो भी पेज आप सर्च कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी फॉर्म में एक्टिव हो जाए या फिर कह सकता हूँ ओपन हो जाए, तो आप उसे सेव कराना है। तो क्या करेंगे, जो सर्च बार है उसके जस्ट आगे आपको 3 डॉट्स हैं, फिर से वहीं पर जाना है और सेव पेज टू पॉकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी आईडी साइन इन है तो ये ऑटोमेटिक सेविंग का ऑप्शन आ जाएगा, अगर साइन इन नहीं है तो यहाँ पर साइन अप तुरंत ट्राई इट नाउ या लॉग इन का ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगेगा। अभी यहाँ थोड़ा दोस्तों टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा नेट स्लो है, तो आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख के आ गया सेव टू दी पॉकेट, आप क्लिक करना चाहते हैं तो सेव पॉकेट पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप उसे नाम देना चाहते हैं तो उसे नाम भी दे दीजिएगा, जैसे कि सपोज दैट मैं अपना नाम डाल देता हूँ टेक ऑफ कॉम के नाम से, जो मेरी बनी है टेक ऑफ कॉम के नाम से बनाने के बाद इसे यहाँ से सेव करा देता हूँ। टैक्स एडेड, मेरा जो मैंने अभी साइट का नेम डाला है वो एडेड हो गया। अब चलते हैं पॉकेट लिस्ट में मेरी कि ये सेव हुआ है या नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों,
टेकऑफकॉम के नाम से मेरा जो है पेज सेव हो गया। इस पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉपरली तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े ही प्रॉपरली, बड़े ही आराम से ये सर्च हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने किसी भी ब्राउजर से, किसी भी साइट से को अगर आप सर्च करते हैं तो उसे सेव करा सकते हैं बड़ी आसानी से, नो प्रॉब्लम। और बहुत ही कम समय में आप कभी भी कहीं भी उस साइट को ओपन कर लेंगे। और आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी साइट कौन सी थी वगैरह वगैरह, जो भी है आपकी साइट है उसे आप यहाँ से सेव कराइए, और सेव कराने के बाद उसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड जय।